डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी रिलेशनशिप बिटवीन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस विद द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे पहले के लेक्चर्स में हमने हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस की क्लासिफिकेशन को पढ़ा एच एस आई बी प्रिंसिपल पढ़ा उसकी एप्लीकेशन पढ़ी उसकी थ्योरीज पढ़ी सिम्बाइसिस पढ़ा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशनशिप है मोलिकिन एंड जेफे अप्रोच को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे जो एक मेटल एटम है और उससे क्या बन गया एक मेटल आयन बन गया अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखें पहले तो आप ये देखेंगे कि जो मेटल एटम था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जब वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है डिफरेंस होता है तो एक न्यूट्रल एटम न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और अगर इसका मेटल कैटायन होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी क्यों होगी आप जानते हैं क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है चार्ज बढ़ गया है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस जो है वो बाहर जो जो वैलेंस शेल है उसके नजदीक होगा उसके नजदीक होने से क्या होगा कि ये जो बाहर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास में है तो इसीलिए ये अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को सो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो न्यूट्रल आइटम होते हैं और जो केटन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी अधिक होगी तो ऐसे ही देखिए आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी फिर आयरन टू की फिर आयरन थ्री की और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है न्यूट्रल एटम की और आयन की इट इज रिलेटेड टू द पार्शियल चार्ज ऑन एन एटम पार्शियल चार्ज जो होता है एटम के ऊपर उस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी न्यूट्रल एटम की एंड जो जो आयनिक स्पीसीज है जो पार्शियल चार्ज उसके ऊपर आएगा उस पर डिपेंड करेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, वो कोरिलेटेड है तो ये क्या है जो uh, ये दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डेल्टा डेल्टा डेल so, है ये तो ये मुलिक का अप्रोच है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ये पार्शियल चार्ज पर डिपेंड करती है दिस इज़ द पार्शियल चार्ज ऑन एन एटम ए क्या है देखिए यहाँ पर ए क्या है ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल एटम तो अगर एक एटम एक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसकी जो न्यूट्रल आइटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए बताता है और जो बी है उसको कहते हैं चार्ज कोफिशियंट और ये क्या बताता है अबाउट दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज आफ्टर दी चेंज इन द चार्ज जैसे जैसे चार्ज में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज होगा वो बी बताएगा क्योंकि आपने देखा कि जैसे चार्ज में कन्वर्ट होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी और ये क्या है डेल क्या है ये है पार्शियल चार्ज और ये किस पर डिपेंड करता है पोलरिजिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जैसे जैसे पोलरिजिबिलिटी बढ़ेगी और ये क्या होगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो बी की वैल्यू देखिए कैसे चेंज हो रही है स्मॉल होती है फॉर लार्ज लार्ज कौन होते हैं कैटाइन की अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट एसिड्स वो लार्ज साइज के होते हैं और उनमें डी इलेक्ट्रॉन सफिशेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं पोलराइजेबल एटम्स होते हैं तो जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है जो पोलराइजेबल होते हैं उनकी बी की वैल्यू क्या होती है स्मॉल होती है और जो हार्ड एसिड्स होते, है, होते हैं यानी वो स्मॉल होते हैं साइज में और वो नॉन पोलराइजेबल भी होते हैं क्योंकि उनमें डी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं तो इसलिए जो है उनकी जो बी वैल्यू होती है वो क्या होती है हाई होती है तो ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हार्ड एंड सॉफ्ट के साथ आप देख रहे हैं इसका मतलब जो हार्ड एसिड्स हैं उनकी बी की वैल्यू क्या है हाई है और बी की वैल्यू किससे कोरिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो इसलिए जो है अभी आप देखेंगे यानी जो हार्ड एसिड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाई होती है और जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या नेगेटिविटी क्या होती है लो होती है क्योंकि सॉफ्ट की जो बी की वैल्यू है कम है और जो हार्ड है उनकी बी की वैल्यू क्या है अधिक है तो जिनकी बी की वैल्यू अधिक होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जिनकी बी की वैल्यू कम होगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी किसकी कम होती है सॉफ्ट की तो सॉफ्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी किसकी ज्यादा होती है हार्ड की तो हार्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी अधिक होगी इसलिए हम क्या कह सकते हैं जो हार्ड एसिड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है तो हम ये बता सकते हैं इस बेसिस पर कि अगर हम देखें ट्राई फ्लोरोमिथाइल ग्रुप दिस इज सी एफ थ्री सो ट्राई फ्लोरोमिथाइल ग्रुप इज मच हार्डर एज कंपेयर टू द मिथाइल ग्रुप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ज़्यादा हार्डर है और ये कम हार्डर है तो हार्डनेस को हम किससे कोरिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जैसे हम कहेंगे कि बी एफ थ्री इज हार्डर देन बी एच थ्री ओके Likewise, PF3 is harder than PH3. हार्डर hum keh sakte hain और हम कह सकते हैं कि NH3 is harder than this is ammonia and this is एम ए थ्री एन दिस इज अमोनिया एंड दिस इज जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर H को हम देखें तो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मिथाइल ग्रुप है इसलिए ये क्या है ये हार्डर है और ये कम हार्डर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा हार्डर है कौन सी कम हार्डर है तो हार्डनेस को बता सकते हैं हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस हार्ड एसिड हार्ड बेस हम तो हार्डनेस की बात कर रहे हैं कि कौन अधिक हार्ड होगा दूसरा जो कंसेप्ट है वो है पार एंड पियर्सन पार एंड पियर्सन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताई एप्सलूट हार्डनेस के बारे में बताया जो एप्सलूट हार्डनेस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनेटी सो अकॉर्डिंग टू पार एंड पियरसन अप्रोच दिस एप्सल्यूट हार्डनेस इज दज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज ओके तो ये जो एब्सोल्यूट हार्डनेस है वो न्यूट्रल एटम की भी निकाली जा सकती है और चार्ज स्पेसीज की भी निकाली जा सकती है ठीक है तो हमें क्या चाहिए केवल उस पर्टिकुलर स्पेसीज की आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए जबकि आपने इससे पहले मुलिकिन की भी आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ी होगी तो वहां पर आपने पढ़ा होगा एप्सल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो तो एप्सल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड एन इलेक्ट्रॉन एन एफिनिटी बट द रिलेशनशिप इज लाइक दैट ये एवरेज है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरेज है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जबकि जो एप्सलूट हार्डनेस है ये एवरेज नहीं है ये डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर टू से डिवाइड कर दें तो फिर क्या निकल जाएगी एप्सल्यूट हार्डनेस और एप्सलूट हार्डनेस इसका मतलब है किस पर डिपेंड करती है इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर ये डिफरेंस जितना अधिक होगा उतना हार्ड होगी स्पीसीज ये जितना कम होगा उतनी स्पीसीज क्या होगी कम हार्ड होगी मोर सॉफ्ट होगी तो हम क्या कह सकते हैं जो हार्ड एसिड और बेस होगा वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस जो है वो लार्ज होगा और जो सॉफ्ट एसिड या बेस होगा वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा अधिक होगा तो ये क्या है हार्डनेस के लिए दो अप्रोच पढ़ी हमने एक मोलिकिन जैफे और एक जो एच एस एंसिपल है उसको हम एमओ से भी थोड़ा सा बता सकते हैं तो एक कूप मैं थ्योरम है अकॉर्डिंग टू कूप मैं थ्योरम एनर्जी ऑफ एच ओ एमओ इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एल यूएमओ इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके एच ओ अभी मैं आपको बताऊंगी एच ओ एमओ इज द हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एलयूएमओ इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो अगर एनर्जी ऑफ एच एमओ इज आयनाइजेशन एनर्जी ओके एंड एनर्जी ऑफ एल यू इज ई एंड वी ऑलरेडी नो दैट ई ए माइनस ई ए जितना अधिक होगा हायर उतनी क्या होगी हार्डनेस होगी इसका मतलब है कि एच ओ एमओ देखिये आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है एचओ एम ओ माइनस ई का मतलब क्या है एलयूएमओ जितना अधिक डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हार्डनेस होगी और जितना कम ये डिफरेंस होगा ठीक है ये देखिए लिखा है और जितना कम ये डिफरेंस होगा आई ई माइनस ई ए उतनी ज्यादा क्या होगी सॉफ्टनेस होगी यानी आईई का मतलब एच ओ माइनस ये का मतलब एल तो जितना कम डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा सॉफ्टनेस होगी तो ये जो है एच एस प्रिंसिपल हमें बताता है उसको हम एमओ टी के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ओके ये लिखा हुआ है मैंने मोर द डिफरेंस बिटवीन एच ओ एंड एल

ठीक है ये जो एच हो ओ एमओ होता है एच हो ओ एमओ क्या होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल एच ओ एमओ ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है जैसे अगर आपको याद होगा आपने आ, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं पहले मैं आपको थोड़ा सा एच ओ एमओ और एलयूएमओ समझा दूं कि क्या होते हैं एचओ हो एम ओ एंड एल यूएमओ देखिये अगर आपको रिकॉल हो हाइड्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है वे दे लीनियरली कंबाइन दे फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ओके सो दिस इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नाउ ये दो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहा गए दोनों के दोनों बॉन्डिंग में और ये जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये क्या है खाली है तो इसको हम कहेंगे एच ओ एमओ और इसको हम कहेंगे एलयूएमओ देखिए ये क्या है भरा हुआ ये हाईएस्ट ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और ये भरा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एचओ एमओ हाइएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है और ये क्या है खाली है दिस इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल तो ये कहलाता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और जो ये ऑर्बिटल है वो कहलाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल एक्चुअली यहां पर ये कंडीशन नहीं जहां पर आपने अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल और होते फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अदर ऑर्बिटल्स लाइक इफ वी हैव सच काइंड ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इफ यू हैव फोर ऑर्बिटल्स और ये भी ब्यूटाडाइन के केस में एक्चुअली वी कैन एक्सप्लेन वन थ्री ब्यूटा सो इन दैट केस यू विल फाइंड दैट देखिए दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एमओस ये बॉन्डिंग एमोज है और ये एंटी बॉन्डिंग एमोज है ठीक है चार कार्बन एटम तो चार ऑर्बिटल बनेंगे तो ये देखिए दो भरे हैं अब ये कम एनर्जी का भरा हुआ है ये अधिक एनर्जी का भरा हुआ है तो इसको हम कहेंगे एच ओ हाइस्ट ऐसा एनर्जी का ऑर्बिटल है जो कि भरा हुआ है और ये देखिए दो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी कम है इसकी ज्यादा है तो ये वो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है इन दोनों में से और ये अनऑक्यूपाइड है इसलिए इन दोनों में से ये एलयूएमओ है और इन दोनों में से ये एच है क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है जो कि भरा हुआ है इन दोनों में और इन दोनों में ये लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है जो कि खाली है तो इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं अब देखिए यहां पर ये एचओ है ये एल है हमने कहा जो एचओ है वो आयनाइजेशन एनर्जी बताता है जो एल है वो ईए बताता है तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस अधिक होगा तो ये हार्ड स्पीसीज होगी तो ये हार्ड हार्ड जब होंगे तो ये क्या करेंगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे देखिए ज्यादा डिफरेंस है और यहां अगर आप देखेंगे एलयूएमओ और एचओएमओ के बीच में डिफरेंस क्या है कम है तो इनके बीच में अगर डिफरेंस कम है तो ये क्या होंगे सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन है बेस का इंटरेक्शन है और ये क्या बनाएगा आयनिक ये क्या बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ओके okay. सो so, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच है टू अंडरस्टैंड दी एच एस एवी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस पार एंड पियर्सन अप्रोच जो डिफरेंस है एलयूएमओ और एचओ एमओ के बीच का अगर ये कम होगा तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अगर एलयूएमओ और एचओएमओ के बीच का डिफरेंस अधिक होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और किसके बीच में हार्ड और हार्ड के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन हार्डनेस सॉफ्टनेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हमने इसमें दो अप्रोच पढ़ी एक हमने पढ़ी है मुलिकिन एंड जैफे की अप्रोच और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक रिलेशनशिप था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसके साथ रिलेशनशिप था न्यूट्रल uh, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड चार्ज मेटल आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड uh, एक चार्ज कोफिशियंट था चार्ज uh, कोफिशियंट तो बी था और एक पार्शियल चार्ज उनके बीच में हमने इंटरेक्शन देखा कि अगर कहीं पर बी की वैल्यू स्मॉल हो तो वो सॉफ्ट सॉफ्टनेस को बताएगा और अगर बी की वैल्यू अधिक होगी तो वो हार्डनेस को बताएगा बिकॉज बी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अगर बी ज्यादा है तो वो हार्ड है अगर बी कम है तो वो सॉफ्ट है दूसरी हमने थ्योरी पढ़ी पार एंड पीएसन की और उनके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो एब्सोलूट हार्डनेस होती है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा उतनी कम हार्डनेस है मतलब सॉफ्टनेस है उतनी ज्यादा सॉफ्टनेस है और जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना अधिक हार्डनेस होगी और ये डिपेंड करता है ये किससे कोरिलेटेड कियापमैन थे उनकी थ्योरम के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी को एचओ से को रिलेट करते हैं ईए को एलयूएमओ से कोरिलेट करते हैं इसलिए इफ द डिफरेंस बिट्वीन एचओ एमओ एंड एलयूएमओ इज लार्ज Then it is hard species. Hard, it, it, hard, so ionic compound will be there. And if the difference between HOMO and LUMO is less, then it is a kind of soft soft interaction, and covalent bond will be formed. So this is all about the hardness and softness and electronegativity as per HSAB principle. So thank you very much.